गाइस, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अब मेरा इवनिंग स्नैक्स का टाइम है। और इस टाइम में कोई भी रोस्टेड पीनट्स या फिर चने लेती हूँ, क्योंकि डाइटिंग में बहुत ज़्यादा कुछ हैवी नहीं खाना है। और वैसे भी मैं अभी ट्राई कर रही हूँ 20 डेज चैलेंज से ज़्यादा ये मेरा ट्रायल है कि मैं ये डाइटिंग कर पाऊँगी या नहीं। तो उसके लिए मैं चने सेकने जा रही हूँ अभी। तो यहाँ मैंने नमक गरम करने रखा है। ये फूटी फूटी पुरानी सी कढ़ाई है जिसका ऐसे जो हैंडल था ना वो टूट चुका है। और ये नमक मैं हमेशा इस तरीके से डब्बे में भर के रखती हूँ, जिससे जब भी हमें कुछ भी रोस्ट करना हो, चने या मूंगफली या फिर पॉपकॉर्न बनाने होते हैं ना, तब इसका यूज करते हैं। और मार्केट में जो वो कलरफुल पिंगल्स आते हैं ना, इतने छोटे छोटे, उसका सही नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन वो भी बहुत इजीली और बहुत अच्छे सीखते हैं बगैर ऑयल के। नमक को बहुत तेज गरम करना है हमें, मतलब फुल फ्लेम पर अच्छा तेज गरम हो जाए तभी चने डालना है। और आज मैं दिन भर किस काम में बिजी थी वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कपड़े, आज बहुत सारे कपड़े धोए मैंने। और बारिश भी बहुत हो रही थी, मैं 2-3 दिन से अवॉइड कर रही थी कि आज नहीं कल धोना है, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। तो मैंने फाइनली आज मशीन लगा दी और बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे, तो मैं कपड़े धोने लगी थी। फिर कपड़े धोने के बाद मैंने उन्हें सुखाया, सुखाने के लिए भी जगह नहीं है। ये थोड़े तो गैलरी में सुखाए हैं और थोड़े डाइनिंग टेबल की कुर्सियों के ऊपर। ऐसे ना बारिश हो, हल्का सा ठंडा मौसम होना, तब ऐसी चीजें खाने में बहुत अच्छी लगती है। और अभी ना काफी गर्म भी है, थोड़े से ठंडे हो गए हैं कुछ कुछ, और कुछ बहुत ज्यादा गर्म है। प्लेट भी गर्म हो रही है नीचे से। हाँ देखिए, मेरी मम्मी भी सेम चीज खा रही है। उन्हें बहुत ज्यादा चने, उन्हें ना चने मूंगफली और ऐसी जो क्रिस्पी चीजें होती है ना, उन्हें बहुत पसंद है। और चिंटू भी आया है, वो भी सेम चीज खा रहा है। आप लोग सोचोगे कि अभी मेरा वेट कितना बढ़ा हुआ है और मैं अपनी पूरी डाइट शेयर कर रही हूँ, लेकिन ना मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ कि मैं क्या क्या चीजें ले रही हूँ डाइट में। और ये सिर्फ ट्रायल के लिए है कि मेरा वेट इन सब चीजों से कम होगा या नहीं। ये चैलेंज ऐसा नहीं है कि मुझे करना ही है 5 तारीख तक, लेकिन ऐसा है कि मैं ट्राई करना चाहती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करूँगी डाइटिंग। अगर इसमें कुछ चेंजेस आए तो मैं यही वाली डाइट कंटिन्यू रखूँगी, और अगर नहीं आए तो मैं कुछ और चेंजेस करूँगी डाइट में। अब मैं पहले अपना इवनिंग स्नैक्स फिनिश करूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। आप लोग भी इंजॉय करो। आज संडे और संडे स्पेशल डिनर में हम बना रहे हैं दाल बाटी और टमाटर और प्याज की सब्जी। यहाँ मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, उसके बाद मैंने 1/2 चम्मच जीरा डाला है। जीरे को हमें अच्छी तरीके से तड़काना है। जीरा देखिए अच्छी तरीके से उसमें कलर आ चुका है। अब मैं उसमें प्याज डालूँगी। यहाँ मैंने काफ़ी सारे प्याज लिए हैं और मीडियम साइज़ के 5 से 6 प्याज मैंने कट किए हैं, एकदम बारीक बारीक चॉप है, और उसे अच्छा ब्राउन कलर आने तक पकाना है।
आज मैं प्याज पकाने का एक ट्रिक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले अच्छे तेज गरम तेल में ऑनियंस को डालना है और कुछ 30 सेकेंड के लिए गैस को मीडियम कर देना है और कुछ देर चलाना है और उसके बाद वापस से तेज आँच पे प्याज को कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। यहाँ मैं चुटकी भर नमक डालती हूँ जिससे ऑनियंस बहुत ईजीली पक जाते हैं और अच्छे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, उनका कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही पकाना है, अपना हाथ नहीं रोकना है। कई बार क्या होता है साइड से प्याज जलने लगते हैं और हमारा ध्यान नहीं रहता, इसलिए कंटिन्यू चलाते चलाते ही पकाएं। देखिए हमारे ऑनियंस का कलर अच्छा हो चुका है, ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर ही दिया है मैंने। अब बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है अदरवाइज सब्जी का कलर ख़राब हो जाता है। देखिए हमारे ऑनियंस अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इसी मेथड से जो बिरयानी में ऑनियंस डलते हैं ना, इसी मेथड से पकाए जाते हैं। और देखिए इसे कंटिन्यू ही मैं चला रही हूँ, बिल्कुल नहीं रुक रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे ऑनियन पक गए हैं और मैं यहाँ पर टमाटर डाल रही हूँ। ये 4 मीडियम साइज़ टमेटोज़ हैं जिसे मैंने चॉप किया हुआ है। ये सब्जी बहुत ही सिंपल बनती है। थोड़ी देर हम अपने टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करेंगे। ये सब्जी इतनी जल्दी बन जाती है, जब मैं स्कूल जाती थी तब मुझे टिफ़िन में ये सब्जी बहुत अच्छी लगती थी। और कहीं बाहर भी हम जाते हैं ना तो थोड़ी सी बनाकर लेके जाते हैं, पराठे या पूड़ी के साथ कुछ हेवी सब्जी बनाने से ज़्यादा इजी रहती है। यहाँ मैं मसालों में डालूँगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और एंड में डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। और मसालों को अच्छी तरीके से अपनी सब्जी में मिक्स करेंगे। इस सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा लगता है और बाटी के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। कुछ देर हम इसी तरीके से फुल फ्लेम पर पकाएंगे। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक को अच्छी तरीके से सब्जी में मिक्स करेंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, ज़्यादा ऑनियन होने की वजह से इसमें हल्का सा मीठा टेस्ट आता है और टमाटर की वजह से खट्टा मीठा तीखा बहुत ही अच्छी लगती है। और बाटी पूड़ी पराठे के साथ ये सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारे घर में तो सभी को पसंद है, आप भी ये ज़रूर ट्राई करना। अब हम अपनी सब्जी को 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और ये 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। देखिए 2 मिनट हो चुका है और हमारी सब्जी रेडी है। अब मैं सब्जी को अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और कुछ टमाटर जो खड़े रह गए हैं उसे चम्मच की मदद से फोड़ दूँगी। वैसे टमाटर सारे पक चुके हैं लेकिन कभी कभार कुछ कुछ टमाटर खड़े रह जाते हैं। अब हम सब्जी में डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डाल के उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और देखिए हमारी सब्जी रेडी है और कितना प्यारा कलर लग रहा है। बस इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है लेकिन हम लोग बाद में उसे निकाल देते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा ऑयली ना लगे। आज संडे स्पेशल में है बाटी ऑनियन टमाटर की सब्जी और मूंग की बघारी हुई दाल। और मेरे डिनर में है मूंग की प्लेन दाल जस्ट उबली हुई और इसमें थोड़ा सा घी डाला था मैंने, सिर्फ 2 बूंद घी डाला है। पहले मैं अपना डिनर फिनिश कर दूँ फिर बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, पापा ऑफिस जाने के लिए रेडी हैं और उनके लिए मैंने नाश्ते में बनाया है पोहा और 1 कप दूध। आज पूरा घर फैला हुआ है क्योंकि हम लोग रात में बहुत रात तक मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो सारा घर इसी तरह फैल गया है। और अभी वो अपने नेल्स कट कर रहे हैं और मम्मी मोबाइल में बिजी है। हमारे घर में वीक में 2 से 3 बार पोहा बनता है क्योंकि पापा पोहे के अलावा कोई और नाश्ता पसंद नहीं करते, दूसरा नाश्ता उन्हें पसंद नहीं है। और कभी कभार वो ब्रेड बटर ले लेते हैं, उसके अलावा वो और कुछ नाश्ता नहीं करते हैं। मम्मी और मैं हर तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो जब पापा को नाश्ता नहीं करना होता तो हम उपमा, वर्मेसली या कुछ और इसी तरह का बना लेते हैं या फिर कैलॉग्स या ओट्स खाते हैं। वैसे हमारे घर में मसाला ओट्स मैं और मम्मी बहुत ज़्यादा खाते हैं,
क्योंकि वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो हमारे घर में ब्रेकफास्ट हम तीनों अलग अलग करते हैं, लेकिन जब अभी लॉकडाउन की वजह से ये फ़ायदा हुआ है कि हम लोग डिनर और ब्रेकफास्ट एक साथ कर पाते हैं। नॉर्मल डेज में पापा और मैं बिज़ी रहते हैं, मॉर्निंग में हम दोनों 7 बजे तक घर से निकल जाते हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। मॉर्निंग में काफ़ी देर तक बैठ कर बातें करते रहते हैं। पापा का ब्रेकफास्ट हो गया है, मम्मी और पापा बैठ कर बातें कर रहे हैं और मैं किचन में थी किसी काम से, तो मैं वहाँ से चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही थी। पापा का नाश्ता हो गया है और मैं और मम्मी नाश्ता करने जा रहे हैं। मम्मी के नाश्ते में है पोहा जो मैंने पापा के लिए बनाया था, और इसमें सेव डाली हुई है मैंने, ये हमारे वहाँ की स्पेशल सेव है। आपने सुना होगा इंदौर की सेव काफ़ी फेमस है। और मेरे नाश्ते में है ओट्स, ये ओट्स में मैंने दो चम्मच ओट्स डाली है, मसाला ओट्स, और उसमें हॉट वाटर डाला है और उसे थोड़ा सूप के जैसा बनाया है, एकदम जैसे गाढ़ा बनता है ना वैसा नहीं बनाया है। और अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने आज अपना व्लॉग मॉर्निंग में एंड किया क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग और सो गए थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा मॉर्निंग का शूट कर दूँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नीचे रेड बटन है सिर्फ उसे ही एक बार टच करना है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरे वीडियोस की। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो चलिए बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।